आप देख सकते हो नारसावली की दरगाह पे संदल पेश होने की तैयारी हो रही है उर्स के मौके पे। तो आप देख सकते हो दरबार में पहली चादर पेश होने के लिए आ चुकी है सुभान अल्लाह नारसावली की बारगाह पे। हम पहुंच चुके हैं नारसावली की बारगाह पे, देख सकते हो। देखिए यहाँ पे मेला लगा हुआ है, झूले वगैरह लगे हुए हैं मेले के बाद। यहाँ पे पूरा ग्राउंड बनाया जा रहा है, अभी तैयार तामीर हो रहा है। ये जेंट्स का है और ये लेडीज़ का है। और यार कवाली बहुत बड़े पैमाने में होगी लगता है यहाँ पे। और शानो शौकत से हुजूर सरकार सैयद नारसावली के दरबार में बाद नमाज ऐसा तकरीबन 11 बजे के करीब दरबार में ये संदल शरीफ पहुँचता है। بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज का व्लॉग मेरा ये कि आज हम लोग जा रहे हैं नारसावली की बारगाह पे। तो आज यहाँ पर जुलूस निकलने वाला है और शाही चादर है ना, शाही शंदल यानी शाही चादर पेश होगी। तो किस तरीके से यहाँ पे उर्स मनाया जाता है, क्या क्या होता है, तो ये मेरे साथ ही मेरा दोस्त है, भाई है, तो हम लोग चलते हैं, जानकारी देंगे आपको, बताएंगे। तो पूरा वीडियो कट देगा ताकि समझ में आए, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं नारसावली बारगाह पे कैसा माहौल है। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे चादर को लेकर के जा रहे हैं, कितनी खूबसूरत प्यारी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उर्स का जो आगाज़ होता है उसकी जुलूस की तैयारी हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो जुलूस निकलने वाला है और अभी कैसे क्या होगा पूरा आपको बताएंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये बॉक्स है, पेटी है और चादर शरीफ है, अभी ये पूरा निकाला जाएगा, अब लेकर के जुलूस निकाला जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे संदल बनाया जा रहा है जो कि दरबार में पेश होने के लिए। तो यहाँ से बना करके फिर लेकर के जाएंगे, और किस तरीके से पेश करते हैं, कितना बड़ा जुलूस होता है, पूरा आपको जानकारी देंगे हम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी को पगड़ी पहना करके मेहमान नवाजी करी जा रही है, और अब पूरा जुलूस का इहतमाम करा जाएगा यानी जुलूस निकाला जाएगा। काफ़ी खूबसूरत मंजर रहता है। तो अब आप देख सकते हो संदल शरीफ को लेकर के सारे गांव के लोग जा रहे हैं दरबार शरीफ में पेश करने के लिए। बहुत बड़ा लंबा जुलूस निकलता है ये शाम को मगरिब के बाद स्टार्ट होने के बाद में रात के 11 बजे तक, 10:30-11 बजे तक दरबार में पेश होता है। तो अभी पूरा रास्ते में कैसा माहौल रहेगा पूरा आपको दिखाएंगे। तो बस यही कहूँगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना ताकि और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और ये आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत प्यारी चादर शरीफ है। अब चादर शरीफ को भी
खोल दिया गया और लेकर के अब जाया जा रहा है। देखिए फूलों की बारिश होते हुए माशाल्लाह। Thank you.
चादर जा रही है जहाँ पे हमें मस्तान बाबा मिले हैं। बाबा ये चादर कितने समय से निकलती हुई आ रही है और कितने बजे पेश होगी दरबार में? ये हजरत सरकार सैयद गाजीउद्दीन अल मारूफ इराक के नहरसा वली का सालाना उत्सव है जी, जो अपनी परंपरा से कई सालों से मनाया जाता है जी। ये आस्थाना 400 साल पुराना है और जब से ये आस्थाना है जब से इन परंपराओं को निभाया जाता है जी। राजा रजवाड़ों के द्वारा इन परंपराओं को चालू करा गया था। आज मुस्लिम पंचायत गांव खजराना की जानिब से पूरे गांव के बासिंदे संदल शरीफ को उठाते हैं और शानों शौकत से हुजूर सरकार सैयद नहरसा वली के दरबार में बाद नमाज ईशा तकरीबन 11 बजे के करीब दरबार में ये संदल शरीफ पहुंचता है और सरकार के दरबार में खैरात से अकीदत दी जाती है जी। और ये उर्स कितने दिनों का मनाया जाएगा? ये उर्स जो है 6 रोज का मनाया जाता है, जिसमें आज संदल होगा, कल 31 तारीख है जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर उलमा इकराम की तकरीर होगी, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को कव्वाली का प्रोग्राम महफिले समा होगी और 4 तारीख सुबह 10 बजे आस्थाना औलिया हजरत सरकार नूरुद्दीन नहरसा वली खजराना इंदौर मध्य प्रदेश में रंग शरीफ की फातिया होगी, कुल की फातिया होगी और पूरे देश के लिए अमन की दुआ की जाएगी, पूरे मुल्क के लिए हर बासिंदे के लिए इस दरबार से दुआ की जाएगी जी। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम है अमजद पटेल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा? हसनैन खान। ठीक है, बहुत। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जुलूस निकलने वाला है और ये देखिए कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है, माशाल्लाह बहुत ही बड़ा यहाँ पे जुलूस निकाला जाता है। आज की रात मेला लगा हुआ है सामने और हम लोग जा रहे हैं दरगाह की तरफ जहाँ पे चादर आई है, संदल आया, बड़ा संदल आता है वो आया है, देखते हैं ऐसा माहौल लगा हुआ है पूरा। अभी चादर आ रही है, वो चादर दिखाते हैं आप लोगों को। मेला लगा तो रात के 10 बज चुकी है और यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है और अभी चादर शरीफ
दरबार में पेश होने के लिए आ चुकी है। अभी चलते हैं, कैसा माहौल दिखाते हैं आपको। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नार शाहवली की बारगाह पे, देख सकते हो, और काफ़ी खूबसूरत प्यारी सजावट हर साल की तरह इस साल भी हुई है। यहाँ पर चादर बड़ी धूमधाम से आ रही है, दिखाते हैं। ये देखिए, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर मेला लगा हुआ है, झूले वगैरह लगे हुए हैं। मेले के बारे में अलग से ब्लॉग बनाऊंगा मैं, पर पहले चादर दिखाएंगे। देखिए लाइट लग गई ऊपर, कितनी खूबसूरत। रात के 10 बजे का माहौल, इधर चादर आ रही है। बड़े देखो शाही चंदल आ गया है, सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है। शाही चंदल आ गया है, दिखाते हैं आप लोगों को शाही चंदल। फाउंटेन चालू हो गया, कल चालू नहीं था, कल फाउंटेन चालू नहीं था, अच्छा फाउंटेन चालू कर दिया गया। दरगाह के पास आ गए हम लोग, अब चादर दरगाह शरीफ पेश होने के लिए आ गई है। सुभान अल्लाह, सुशील मिक्स। ये देखिए यहाँ पे चादर कितनी खूबसूरत लेकर के आए। देखिए चादर आ रही है, सुभान अल्लाह।
हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर देख सकते हो फूलों की बारिश होने लग गई है माशाल्लाह। और कुछ इस तरीके से फूलों की बारिश करके यहाँ पे स्वागत किया जाता है नारसावली की बारगाह पे हर साल की तरह इस साल भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे भाई हमारी वीडियो देखते हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बस भाई तुम कुछ हो यार, बस हमारे लिए होता है यार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दरबार में चादर को लेकर के जा रहे हैं पेश होने के लिए संदल शरीफ को। ठीक है यहाँ पर कितना खूबसूरत प्यारा माहौल हो गया माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए नारसावली की बारगाह पे शाहरीन जो नारसावली की बारगाह पे आते हैं वहाँ चुके हैं। ये देखिए सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है। ये देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए नारसावली की बारगाह पे चादर को लेकर के यहाँ पर पेश कर दिया गया है माशाल्लाह। ये देखिए सुभान अल्लाह। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे सजावट का भी सजावट का काम शुरू हो चुका है माशाल्लाह। देखिए आज शाही संदल जो आया दरबार में पेश होने के लिए, देखिए यहाँ पर शाही
आप देख सकते हो दरबार में गांव वालों की तरफ से जो चादर होती है वो पहली चादर को यहाँ पे पेश कर दिया गया है। अब रात को संदल पेश होगा तो वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह में दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हो नारसावली की बारगाह पे उर्स चल रहा है और आज यहाँ पर चादर पेश हुई है। हमारे साथ में हजरत इनसे जानकारी करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, आज क्या हुआ और कल क्या होगा? जी कल चादर पेश होगी जी। आपका नाम क्या होगा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ आपको जारीन दिखेंगे, खासी तादाद में उसके मौके पे यहाँ पर आते हैं और अभी चादर शरीफ को पेश किया गया है और उसका आगाज हो चुका है। यहाँ पे खासी तादाद में जारीन अब आना शुरू हो जाएंगे आज से ही। देखिए यहाँ पर आज चादर पेश हो गई है, आज से सारे जारीन आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। सुभानअल्लाह, काफी खूबसूरत प्यारा माहौल है माशाल्लाह यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर संदल सरकार का आ चुका है माशाल्लाह। ये कितने बजे संदल पेश होगा? तो आप देख सकते हो नारसावली की बारगाह पे, यहाँ पर आप देख सकते हो नारसावली की बारगाह पे संदल आ चुका है और अभी संदल 11 बजे रात को पेश होगा और फिर अभी आपको पूरी थोड़ी बहुत जानकारी जो होगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दूंगा। देखिए सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, देखिए काफ़ी खूबसूरत प्यारा माहौल है और हर साल की एक सेट कर लेता हूँ। ये हमारे भाई सारे इंदौर माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे बड़े भाई है, सारे लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। तहे दिल से शुक्रिया। आज मैं इंदौर खजराना नाश्ता वाली बारगाह की वीडियो ला रहा था, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाया। अभी मैं इंटरव्यू लूँगा, पूरा 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 जानकारी दूंगा आप लोगों तक। इनका होता है किस तरह से पूरा माहौल आप लोगों को देखना। देख सकते हो जैसे कि मैं नारसावली की बारगाह पे आया हुआ हूँ उर्स के मौके पे, हमारे बड़े भाई लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे क्या क्या मैनेज कर रहे हैं अभी आप भाई? दुकानों का काम पूरा, झूले का काम पूरा जी, पंडाल का मेंटेनेंस पूरा। कितने साल से कर रहे हैं? पहले साल है भाई। अच्छा पहली साल अपना? अच्छा चलो बढ़िया है। सदर नए बने अपने भाई जी पटेल डॉक्टर, कर्म पर लगे हैं बस खिदमत में सरकार की। चलो बेशक बेशक। तो क्या नाम होगा आपका? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब टीम के? टीम पूरी। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली अब आप लोग देख रहे हैं संदल को बनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे संदल को बनाया जा रहा है जो कि दरबार में अभी पेश होगा और कुछ इसी तरीके से यहाँ पर नारसावली की बारगाह पे उर्स मनाया जाता है। तो दरबार के अंदर जो संदल पेश होगा तो वो तो मैं नहीं दिखा सकता, पर मैं अभी संदल बनते हुए आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है माशाल्लाह, और इसी तरीके से यहाँ पर उर्स मनाया जाता है और नारसावली की बारगाह पे खासी तादाद में जायरीन जो आते हैं बड़ी दूर दूर से आते हैं, कोई एमपी के हर एक कोने से आते हैं और एमपी के साथ साथ गुजरात महाराष्ट्र मुंबई कोलकाता दिल्ली हर जगह से लोग आते हैं, काफ़ी नस्बत रखते हैं यहाँ से। और मैं भी यही दुआ करूँगा जो बाबा की बारगाह पे नहीं आ पाए मेरी वीडियो के ज़रिए वो लोग ये जानकारी और ये वीडियो के ज़रिए जरूरत कर सकें और इंशाल्लाह बाबा जान अपनी बारगाह पे जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर को बुलाएं। तो देखिए यहाँ पे दरबार कितना खूबसूरत प्यारा सजाया गया है और यहाँ सामने कवाली का प्रोग्राम होगा। यहाँ से 3-4 दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है यहाँ पे कवाली का, तो यहाँ पे पूरा सेटअप बिछाया गया देख सकते हो यहाँ पे बहुत। हाँ भाई, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा सेटअप यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पे कल सारी पब्लिक आकर के कवाली सुनेंगे और यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा इंतजाम करते हैं
यहाँ पे पूरा ग्राउंड बनाया जा रहा है, अभी तैयार तामीर हो रहा है। ये जेंट्स का है और ये लेडीज का है। और यार कवाली बहुत बड़े पैमाने में होगी लगता है यहाँ पे, है कवाली का प्रोग्राम बड़े पैमाने में होता है भाई यहाँ पर होगा, जो दिखाएंगे आप लोगों को इंशाल्लाह कल। देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी सजावट हुई है और उसके मौके पर यहाँ पे माशाल्लाह देखिए की। तो फाइनली अब मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें आप लोगों को मैं ये जानकारी दूंगा कि बाबा जान कौन थे, कहाँ से आए थे, बाबा जान की क्या करामत है। तो पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना ताकि समझ में आए। और उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर नारसावली की बारगाह पे आप जरूरत के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे आसपास में सस्ता अच्छा होटल रूम वगैरह कहाँ मिलेगा, सस्ता अच्छा खाना वगैरह कहाँ मिलेगा, वो भी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। तो मिलते हैं, शनो भाई, अल्लाह हाफिज़।